नमस्कार सर जी। सर जय हिंद। जय हिंद जय हिंद, बताइए। सर मैं रेनू पीटर बोल रही हूँ, जिला फरुखाबाद यूपी से। मैं सुरक्षा कर्मी हूँ, एक 4 साल से सुरक्षा कर्मी के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। रेनू जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि एक महिला जब सबकी सुरक्षा करती है तो हिंदुस्तान का गर्व बढ़ जाता है। सर मुझे भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है, मैंने भी अपने आप को इस लहजे पे रखा हुआ है। जी बताइए। सर मेरा एक सवाल था आपसे। जी जी। सर हम गांव के गरीब परिवार से आते हैं, इज्जत ही हमारी पूंजी है। वर्षों के कई मेहनत से चौकीदार एक इज्जत और भरोसा कमाता है। राजनीति के चलते सर हम लोगों को चोर कहा गया। हम लोग जहाँ काम करते हैं सर, वहाँ पर हम लोगों को शक की नजर से देखा जा रहा है। देश के जवान भी सर एक चौकीदार है, क्या वो भी चोर है? सर मन बहुत दुखी हो रहा है सोच के, इसीलिए आपसे ये सवाल की हूँ। आपकी भावना मैं समझ सकता हूँ, और जो भावना आपने प्रकट की है वो तो हिंदुस्तान की सुरक्षा में लगे सब जवानों के मन में भी पड़ी है, चौकीदार के रूप में काम करने वालों के मन में भी पड़ी है। लेकिन सबसे पहले देश में चौकीदारी का काम करने वाले, चाहे सेना के जवान हो, पुलिस के जवान हो, सुरक्षा बल के जवान हो, और आप जैसे दिन रात मेहनत करने वाले लोग हो, मैं सबसे पहले तो आप सबकी माफी मांगता हूँ। क्योंकि माफी मैं इसलिए मांगता हूँ कि कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए पिछले कुछ महीनों से बिना सोचे समझे अनाप शनाप गाली गलौज करना शुरू किया, और उसमें उन्होंने चौकीदार को चोर कह दिया। एक प्रकार से हर चौकीदार के जीवन के सामने, उनकी तपस्या के सामने उन्होंने सवालिया निशान खड़ा कर दिया। वो मेरे नाम से गाली देते, मेरा नाम कह करके कुछ भी बोलते तो शायद आपका ये नुकसान नहीं होता, लेकिन उनकी वो हिम्मत नहीं थी, और इसलिए उन्होंने चौकीदार को ही चोर कहने का रास्ता चुना। इस देश का दुर्भाग्य है कैसे लोगों की भाषा आप सबको पीड़ित कर रही है। और मैं आपको बताऊं, ये बात यहाँ अटकने वाली नहीं है। हताशा निराशा की गर्त में डूबे हुए ऐसे कुछ लोग आगे भी यही करने वाले हैं। वो नई नई चीजें खोजेंगे, कहीं पर किसी चौकीदार के ऊपर आरोप लग गया होगा तो उसी को उठा लेंगे, देखिए वो चौकीदार ने चोरी की। ये करने वाले हैं, चौकीदार को बदनाम करने के लिए शायद अब नए नए तरीके ढूंढने वाले हैं, और इसलिए हमने पूरे धैर्य के साथ जो भी चौकीदारी करने की हमारी जिम्मेवारी उसको हमने निभाना है, चौकन्ने होकर के निभाना है। पर साथियों दूसरी तरफ देखिए, ये भी देखने का माहौल है ना कि चारों तरफ माहौल बन गया है, और उसको तो आपको भी गर्व होगा। आज पूरा देश चौकीदार होने की शपथ ले रहा है, आज चौकीदार शब्द देशभक्ति का पर्याय बन गया है, ईमानदारी से काम करने का पर्याय बन चुका है। और मैं आपको बताऊं, मेरा ये कोई पहली बार अपमान नहीं हुआ है, ये नामदारों की फितरती है, नामदारों की आदत होती है कामदारों के प्रति नफरत फैलाना, असहिष्णुता ये उनके स्वभाव में है, और ये इतना जल्दी जाने वाला भी नहीं है। कामदार कुछ भी कर ले, अगर कोई कामदार प्रधानमंत्री भी बन जाए तो भी ये लोग उसे ऐसे ही अपमानित करते रहेंगे। साथियों मेरा मानना है कि कोई नाम से बड़ा नहीं होता है, बल्कि अपने काम से होता है, देश के प्रति अपनी निष्ठा से, अपने समर्पण से, अपने योगदान से होता है, और इसलिए मैं तो यही कहूंगा मेरे सभी चौकीदार साथियों को, देशवासियों को भी, हमें बहुत आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को बहुत बड़ा बनाना है, उन्हें डॉक्टर भी बनाना है, इंजीनियर भी बनाना है, सेना का जवान भी बनाना है, देश का प्रधानमंत्री भी बनाना है, लेकिन
हम सबको हमारे बच्चों के भीतर भी उस चौकीदार के संस्कार बनाए रखना है, उसके भीतर का चौकीदार जिंदा रखना है। वो जहां भी हो, जिस काम को करता हो, जैसे भी करता हो, लेकिन देश के चौकीदार का काम वो कभी छोड़ेगा नहीं। हर हिंदुस्तानी के भीतर चौकीदार जिंदा रहना चाहिए। मैं बहुत आभारी हूँ आपका, आपकी भावनाओं को जान करके। धन्यवाद।